देखिए, असल में मैं समझती हूँ इस पे हमारे जो सीनियर्स थे वो काफी मजाक भी उड़ाते थे। वो कहते थे कि जब भी जियो बंद होता था तो सना ही ऑन स्क्रीन होती थी। 2007 का जरा फेमस है तो इसलिए आपने कोट किया। 2000 के बाद एक मरतबा और भी जियो बंद किया गया था। उसके बाद जब आपको याद होगा हामिद मीर साहब के ऊपर अटैक हुआ था, उस वक्त भी जियो बहुत जगहों पे बंद हुआ था। इत्तफाक है कि तमाम मरतबा में ज्यादातर टाइम जो है वो मैं ही खबरें पढ़ रही थी, तो जियो को ये लगता था कि सदा बैठी होती है तो ये चैनल जरूर बंद करवा देती है। बट ऑन अ लाइटर साइड ये मैं कह रही हूँ, लेकिन ये जरूर था कि ऑब्वियसली एक अटैचमेंट आपकी होती है। मुझे लगता है कि आजकल के जो हमारे लोग हैं, जो एंकर्स हैं, उनकी वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दे आर जस्ट मनी सीकर्स की अच्छी सैलरीज मिले, अच्छे पैकेजेस मिले। और मैं देखती हूँ कि लोग बड़ा फ्रीक्वेंटली स्विच कर रहे होते हैं, आज यहाँ है, 6 महीने बाद कहीं और है, 6 महीने बाद कहीं और है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कोट कर रही हूँ कि आप जब तक जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहें, अगर आपकी उसके साथ थोड़ी सी अटैचमेंट हो, तो शायद आपको काम करने का और एक ओनरशिप लेने का भी मजा आता है। कुछ लाइटर साइड्स की होती हैं, लेकिन वो अमूमन फंबल्स और इस किस्म की चीजों में होता है। बट आई डोंट थिंक सो कि वो सिर्फ उस मोमेंट में होती है, और उस मोमेंट के बाद वो चीज जो है वो किल हो जाती है। मीडिया स्प्रिंग पीके के तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। अगर उनको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मीडिया स्प्रिंग पीके को वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच।